तो गाइस आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज हैक्ड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 क्रोम एक्सटेंशन के पार्ट 2 की, यानी कि जो पहले पार्ट था उसके नेक्स्ट पार्ट की, जो हमने वीडियो काफी पहले अपलोड की थी चैनल पे, उसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे इस वीडियो में। आप तो समझा? नहीं तू समझा नहीं। तो दोस्तों हमारा पहला एक्सटेंशन आता है, वो आता है दोस्तों स्पीड टेस्ट बाय ओकला। दोस्तों इसके अंदर ये होता है कि हम कभी भी अपने इंटरनेट की या फिर हमारे वाईफाई की हम स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। हम इसे एक्सटेंशन की तरह यूज में ले सकते हैं। कई बार दोस्तों ये होता है कि हमें कुछ भी अपलोड करने से पहले हमें स्पीड चेक करनी पड़ती है कि स्पीड क्या आ रही है, तो उस हिसाब से हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को या फिर वीडियो को अपलोड पे लगाएं, तो इसलिए हमें स्पीड टेस्ट वाले एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। दोस्तों जो हमारा सेकंड एक्सटेंशन आता है वो आता है दोस्तों डार्क रीडर। दोस्तों हम जैसे भी कई बार रात को हम कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं या फिर किसी भी पेज पे विजिट करते हैं, उसके अंदर डार्क मोड नहीं होता है, उस वजह से हमारी आंखों पे काफी ज्यादा जोर पड़ता है कुछ भी इंफॉर्मेशन रीड करते वक्त। बट दोस्तों ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो कि हम किसी भी पेज पे जाए तो उसे डार्क थीम में अपने आप ही एक्टिवेट कर देगा। इसके लिए हमें किसी भी अलग चीज को उस वेबसाइट पे जाकर एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, ये एक्सटेंशन खुद से ही उस पेज को डार्क थीम में कन्वर्ट कर देगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों जो हमारा थर्ड एक्सटेंशन आता है वो आता है दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास। दोस्तों कई बार ये होता है कि हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो कोई फोटो बहुत छोटी साइज की होती है जिसे हम ठीक से नहीं देख पाते, या फिर हम यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहे हैं किसी के, या फिर यूट्यूब पे हम थंबनेल देख रहे हैं तो हम ठीक से नहीं देख पाते उस थंबनेल की डिटेल्स, तो हमें उस चीज को डिटेल में देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज ले सकते हैं। इससे हम जिस पे भी इसको पॉइंट आउट करेंगे वो चीज मैग्नीफाई हो जाएगी या फिर हमें बड़ी दिखाई देगी। तो फोर्थ एक्सटेंशन आता है वो आता है दोस्तों रीड अलाउड। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, हम उसे सुनना चाहते हैं, बट ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं बनी कि जिसे हम डायरेक्टली सुन सकें या फिर जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं उसे हम कुछ सेकंड के अंदर ही हम उससे सुन सकें। दोस्तों पर ये एक एक्सटेंशन है जिससे आप किसी भी वर्ड को आप सुन सकते हो, आपको बस कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है वेबसाइट पे, वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे आपको माउस से सेलेक्ट करना है, फिर आप साइड में जाके या फिर लेफ्ट क्लिक करके जो ऑप्शन आते हैं उनके अंदर रीड अलाउड वाले एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तब कुछ सेकंड के अंदर ये खुद से ही उन्हें बोलना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों हमारा लास्ट एक्सटेंशन आता है वो आता है गिपी फॉर क्रोम। दोस्तों इसके अंदर ये होता है कि हम जैसे कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो उसके अंदर हमें इमोजीज और गिफ या फिर शॉर्ट वीडियो फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलता, बट इसके अंदर ये होगा कि एक एक्सटेंशन की तरह होगा, हम जो मीम चाहें या फिर जो टेक्स्ट चाहें या फिर जो इमोजी चाहें वो हम इसे सर्च कर सकते हैं इसके सर्च बॉक्स में, फिर हम उसे डायरेक्टली ड्रैग करके अपने जिस भी हम मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज में ले रहे हैं उसके अंदर डायरेक्ट ड्रैग करके उसे हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और उसे सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।